हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज अपन देखने वाले हैं राजपूतों की उत्पत्ति के मंत्र। जो राजपूतों की उत्पत्ति कहाँ से हुई, किसने क्या मत दिया, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, क्लास शुरू करने से पहले अपन आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, और घंटी के बटन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करना ताकि सबसे पहले वीडियो आपके पास में आए। तो चलिए शुरू करते हैं राजपूतों की उत्पत्ति के मत। पहला मत है चंद्रवरदायी मत। जो ग्रंथ लिखा गया है पृथ्वीराज रासो और वीर रस का ग्रंथ है, इसमें भाषा का प्रयोग पिंगल भाषा का प्रयोग किया गया और वास्तविक नाम पृथ्वीभट्ट या वल्लदिभट्ट। इस ग्रंथ को पूरा चंद्रवरदायी के बेटे जलहण ने किया है। कर्नल जेम्स टॉड को पृथ्वीराज रासो का उद्धारक कहा जा गया है। मुनि विशिष्ट ने आबू पर्वत पर अग्निकुंड यहाँ करवाया था। ये अग्निकुंड है कुछ इस तरह से। यहाँ पर चौहान, परमार, प्रतिहार, सोलंकी, चालुक्य, ये चार वीर उत्पन्न हुए थे। इनकी उत्पत्ति का कारण राक्षसों का वध करना था, करना बताया गया तथा यहाँ पर राक्षस अरबी आक्रमणकारियों को कहा गया है। राक्षस किसे कहा गया है? अरबी आक्रमणकारियों को कहा है। गुर्जर प्रतिहारों ने 7वीं से 12वीं शताब्दी तक अरबी आक्रमणकारियों का जमकर मुकाबला किया। और आरसी का मतलब रमेश चंद्र मजुमदार के अनुसार 6वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक किया ही। आगे है नयन चंद्र सूरी, उनका मत क्या है? इसमें हम्बीर महाकाव्य ग्रंथ है। इस ग्रंथ के अनुसार राजपूत उत्पत्ति सूर्यवंशी से हुई है। सीवी वैद्य का कहना है कि इनके अनुसार राजपूत विशुद्ध भारतीय है। आगे है डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा, इनका ये रोहिड़ा गांव के रहने वाले हैं और सिरोही जिले से हैं। इनके अनुसार राजपूत आर्यों की संतान है अर्थात क्षत्रिय है। आबू के लेख व श्रृंग ऋषि के लेख के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति रघुकुल से हुई है। जीएच का मतलब गौरीशंकर हीराचंद ओझा का ग्रंथ भारतीय प्राचीन लिपि माला है। आगे है कर्नल जेम्स टॉड ने क्या कहा है? इनके अनुसार निम्न विदेशी जातियां भारत में आई हैं। शक, कुषाण, हूण, शिपियान, ये चार जातियां हैं। शक, कुषाण, हूण, शिपियान, इन चारों के आपस में वैवाहिक संबंध स्थापित हुए जिससे उत्पन्न जाति राजपूत कहला रही है। आगे है विंसेंट ऑर्थर स्मिथ, इनके अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति हूणों से हुई है। कनिंगम, इनके अनुसार इन्होंने ब्रोच गुर्जर ताम्रपत्र के आधार पर राजपूतों की उत्पत्ति यूची अर्थात कुषाणों से हुई है माना गया है। आगे है डॉक्टर दशरथ शर्मा का कहना है कि इनके अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से हुई है। इनका ग्रंथ क्या है? द अर्ली चौहान डायनेस्टी। आगे है कायम रासो ग्रंथ के रचयिता जानकवी हैं। इस ग्रंथ में अजमेर व सांभर के चौहानों की उत्पत्ति का मत वत्स गोत्रीय ब्राह्मणों से बताया गया है। आगे है बिजुलिया लेख, शाकंभरी बिजुलिया लेख में क्या बताया है? शाकंभरी चौहानों की उत्पत्ति वत्स गोत्रीय ब्राह्मणों से हुई ऐसा बताया है। और डॉक्टर पी चट्टोपाध्याय के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति मिश्रित सिद्धांत से हुई है। तो दोस्तों, इनमें से बहुत सारे प्रश्न भी बनते हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति मिश्रित सिद्धांत से हुई है, यह किसने कहा है? तो डॉक्टर चट्टोपाध्याय से बहुत सारे अंदर प्रश्न बनते हैं। अब वीडियो को 2-4 बार देखना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अभी तक हमारे अपने चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स।